और इन्हीं सूक्ष्म तत्वों का, इन पंच सूक्ष्म तत्वों का जो मूल है अविद्या, उससे बन गया तुम्हारा मन, अंतःकरण। इसे मैं थोड़ा और आसान करती हूं। प्रकृति में क्षोभ हुआ, पैदा हुए पंच तत्व। पंच तत्वों से निकली यह स्थूल सृष्टि और तुम्हारा शरीर, ये स्थूल शरीर। इन पंच तत्वों के पीछे जो अविद्या है, उस अविद्या से बन गया तुम्हारा कारण शरीर, और इसी अविद्या के रजोगुण से तैयार हो गया तुम्हारा सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर क्या है? पंच प्राण, पंच ज्ञान इंद्रिय, पंच कर्म इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन तत्वों से हमारा सूक्ष्म शरीर बना। हम यूं भी कह सकते हैं, इस सूक्ष्म शरीर का सीधा रिश्ता है महत से, और जो तुम्हारा कारण शरीर है, इसका सीधा रिश्ता है अविद्या से, और जो तुम्हारा स्थूल शरीर और ये जो भौतिक जगत है, इसका सीधा रिश्ता है पंच तत्वों से। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के पंचीकरण से बना जगत और तुम्हारा शरीर और सूक्ष्म शरीर और तुम्हारा कारण शरीर। तो कहते खेल तो पांच का ही हुआ, जो खेल हो रहा है इन पांच का, उसी को कहते प्रपंच। जब तुम देखते हो कुछ शरीर से, जब तुम देखते हो, तो देखने में क्या क्या आया? तुम्हारा मन, जो नेत्रों से बाहर आया विषय तक, और फिर उसने देखा कि अच्छा ये यह चीज है। जैसे उदाहरण लेते हैं, तुम्हारा मन नेत्रों से बह के यहां तक आया और तुम्हारी बुद्धि ने प्रोसेसिंग करी कि ये एक बॉक्स है, तो ये बॉक्स हो गया प्रमेय, जानना हुआ प्रमाण, और जिसने जाना वो है प्रमाता। सुनो जरा ये शब्द, कितनी चुटकियां थी? तीन तीन के दो सेट, बेहोश। ये हुआ प्रमेय, ये आवाज क्या हुई? प्रमेय, ये प्रमेय, ये शब्द प्रमेय, सुना कानों से। किसने सुना अंदर इन्फॉर्मेशन? ये जो कानों से सीधी गई कहां? मस्तिष्क तक, और वहां प्रोसेसिंग की। जिसने प्रोसेसिंग की कि ये क्या शब्द है, वो है प्रमाता। तो प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय। आंखों से दिखा रूप, आंखों से खुशबू नहीं दिखती, शब्द नहीं दिखता, सिर्फ रूप दिखता, बस। कानों से शब्द सुनते हो, जीभ से स्वाद देखते हो, नाक से खुशबू देखते हो, और अपनी स्पर्श से, चमड़ी से तुम ठंडा, गर्म या कोमल, कठोर को देखते हो। अब ऐसा नहीं है कि एक समय में एक ही इंद्री चलती, चलती तो सारी एक साथ, पर लोग इतने जड़ हैं कि एक समय में एक ही इंद्री के ज्ञान को पूरी तरह जान ले, वही बहुत है। जैसे ध्वनि को सुना कानों से, पर ध्वनि का विज्ञान ये कहता है कि ध्वनि सिर्फ एक शब्द ही नहीं, एक शब्द की तरंग ही नहीं है, इस ध्वनि का एक रंग भी होता है। There is a color of sound, but that color is not seen by these eyes. पर राजयोग ने एक और गहरी छलांग लगाई। शब्द से उठी तरंग और तरंग किस रंग की है, उन्होंने उन रंगों को भी पहचाना, विशेष करके हमारे शरीर में मौजूद चक्रों के साथ संबंधित जो ध्वनियां, और उन ध्वनियों को किन रंगों के साथ जोड़ के देखा जाए। जैसे पुरुषों के पेरिनियम लेवल और स्त्रियों के सर्विक्स,
कि आउटर सरफेस पर मूलाधार चक्र है। पेरिनियम किसको कहते हैं? आपके लिंग और गुदा द्वार के जो बीच स्थान है इसे कहते हैं पेरिनियम। इसी स्थान में फिजिकल लोकेशन है आपके मूलाधार चक्र की। मूलाधार चक्र का जो यंत्र है, जो डायग्राम है, वो लाल रंग का है। मूलाधार को जागृत करने का मंत्र लम है। लम साउंड वाइब्रेशन से पेरिनियम पर जब आप ध्यान देते हैं तो यह चक्र जागृत होगा और इसका रंग लाल है। आपका मणिपुर चक्र जो नाभि से दो अंगुल ऊपर है, अब नाभि में नहीं है, चक्र तो है आपके स्पाइनल कॉलम के भीतर, पर उसका जो क्षेत्र होता है, एरिया जो होता है, द फिजिकल एरिया दैट इज इन द नेवल रीजन, आपके नेवल से दो अंगुली ऊपर पीछे सीधे ले जाए स्पाइन में उसकी डायरेक्शन, वही उसका पॉइंट है। अगर उस जगह पे दबाया जाए और अगर आप कुछ साधना करते रहे हैं तो वहां पर आपको स्पंदन महसूस हो सकता है। मणिपुर चक्र पीले रंग में, मंत्र राम, अनाहत, ये आपका अनाहत चक्र जो हृदय स्थान पे है। हृदय बाहरी का उसका क्षेत्र है, एग्जैक्ट उसकी पॉइंट जो आपका स्पाइनल कॉलम है उसके अंदर है स्पाइनल कॉर्ड, उस कॉर्ड के भीतर, तो एग्जैक्टली आपके स्टर्नम के जहां दिल है, यहां स्टर्नम से एग्जैक्ट पीछे अगर सीधे समझो पॉइंट करें और लोकेट करें स्पाइनल कॉलम पे, रीढ़ की हड्डी पे, उस पॉइंट पे अगर कोई दबाए, सही से उसको दबाए, तो आप उस जगह पर, अब अगर आपने योग किया है, शरीर शुद्ध है, धारणा करते रहे हैं, प्रणव का गुंजन करते रहे हैं, तो इस जगह पे दबाने से आप इस लोकेशन पर एग्जैक्टली अगर आप दबाएंगे तो आप स्पंदन महसूस करेंगे। अधिकतर लोगों के ये सारे चक्र मूलाधार को छोड़ के ये बन दिए, क्योंकि मूलाधार चक्र मनुष्य के भीतर काम शक्ति को, सेक्सुअल एक्टिविटी को जागृत करता है। उसी के कारण ये सारी एनर्जी फ्लो जाती है। थोड़ा बहुत यही चक्र एक है जो जागृत होता है मनुष्यों में, पूरी तरह नहीं जागृत, पर उसी की क्रियामानता के कारण आपकी ये सेक्सुअल एक्टिविटी, संसार के प्रति आकर्षण, ये सब यहीं से। शब्द, शब्द की तरंग है, तरंग का एक रंग भी है। ओम, ओम शब्द की तरंग को अगर आपने सही से अनुभव कर लिया तो इसका रंग सुनहरी है। राजयोग में गुंजन की विधि कही कि ये आपकी इंडेक्स फिंगर जो है, द फर्स्ट फिंगर, इसको आप कानों में डाल के दबा दें, इतना नहीं कि खून निकल जाए और इतना नरम भी नहीं कि बाहर की आवाज आती रहे, दबा दें, श्वास गहरा भरें पहले, फिर उसको भीतर रोकें, रोकें, फिर कानों को अंगुली से बंद करें, यथा शक्ति जब तक रोक सकते हैं रोकें, और फिर ओम का बैखरी उच्चारण या ओम का गुंजन अगर आप करते हैं, इस विधि की गहराई के आ जाने के लक्षण हैं। और वो लक्षण ये है कि आपका पूरा कपाल या आपका पूरा सिर जो है, इट विल गेट इल्यूमिनेटेड विद गोल्डन लाइट। फिजिकल साइन है कि आपका ओंकार सिद्ध हो गया। और थोड़ी देर बैठ के ओम 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 कुछ नहीं होगा। विधि है, ढंग है, तरीका, यह ओम की सिद्धि है।
आसन करके शरीर को शुद्ध रखे, प्राणायाम करके प्राण का निग्रह करना सीखे, और फिर उसके बाद जब इस प्रक्रिया से श्वास भरे, श्वास रोके, रिटेंशन कुंभक करे, फिर अंगली से कान बंद और फिर ओम का गुंजन अगर करता है, तो ये जो साउंड वाइब्रेशन क्रिएट होगी, यह धीरे 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 जब परिपक्व अवस्था में जाएगी, तो आप अपने पूरे चिदाकाश में एक सुनहरे गोल्डन कलर को देखें. That is the sign that you have reached a good state now. प्रायः लोग जब आंख बंद करते हैं ना, तो सिर्फ काला अंधेरा ही दिखता है. परंतु राजयोग ने कहा, यह अंधेरा चिन्ह है कि भीतर बहुत घना अंधेरा चित्त के तल पर भी है, इसलिए अंधेरा दिख रहा है. अब चूंकि दिखेगा रंग तो ये मैच्योरिटी है, तो कई बार इसमें बड़ी खतरनाक स्थिति भी आ जाती है. कुछ एक संप्रदाय इस बात पे जब ज्यादा जोर देने लग जाते हैं ना कि ऐसे अंदर दिखेगा, ऐसा अंदर दिखेगा, तो लोग क्या करते हैं, वो अपने मन की एक्टिव विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन से उन रंगों को देखने लग जाते. वो आए नहीं होते पर वो देखने लग जाते. तुम्हारी मन की कल्पना से ना निकला हो, क्योंकि जो कल्पना से ना निकला होगा उसकी एक और गहरी पहचान है कि तुम आंख बंद करोगे तो भी दिखेगा और तुम आंख खोल दोगे तो भी दिखेगा. अवतारों के गुरुओं के चित्रों में उनके सर के पीछे जो सुनहरी चक्र बनाया जाता है वो काल्पनिक नहीं है, वो सत्य है. तुम्हारी जड़ आंख उसको देख नहीं सकती है, पर जिनकी आंखों में यह पारदर्शिता आ जाए, दोज पीपल हु हैव साइकिक आईज कैन सी दैट लाइट इन द बॉडी ऑफ मास्टर दैट कैन बी सीन. देखने का भी एक तल है, सुनने का भी एक तल है. मैं यूं कहूं कि तुम अपने सुनने की शक्ति का शायद 5% ही इस्तेमाल कर रहे हो, ऐसे ही देखने का, ऐसे ही चखने का, ऐसे ही छूने का. वी आर नॉट यूजिंग आर सेंसेस टू देयर ऑप्टिमम लेवल्स. बेहोशी की तो कोई सीमा ही नहीं. सारा महाभारत का युद्ध धृतराष्ट्र को सुनाया संजय ने, कैसे देखकर, कैसे दूरदृष्टि से, कैसे व्यास जी ने अपने शक्तिपात से यह शक्ति उसको दे दी थी. वो देख भी रहा है और सुन भी रहा है. अब जरा तुम भी कोशिश करो, जरा नजर दौड़ाओ अपने अपने घर में, क्या कर रहे हैं लोग. जाएगी नजर. कई लोग इस नए भ्रांति में फंस जाते हैं. इंद्रिय शक्ति का विकास हम कर लें, वो पूरी साधना ही इसी में लगा लेते, मैं दूर का देख सकूं, मैं दूर का सुन सकूं, और वर्षों उस साधना में लगा देते. दूर का देखने के लिए तंत्र में सूर्य की साधना दी गई, सूर्य की साधना. अगर वो सिद्ध हो जाए तो आप न केवल अपना बल्कि हरेक का भूत भविष्य सब देख लोगे. क्या रोग होंगे, किस रोग से मरोगे, कब मरोगे, सब. एक एक इंद्री की शक्ति को डेवलप करने के लिए साधनाएं दी हैं. और अद्भुत बात यह है, ये सारी साधनाएं सिर्फ एक व्यक्ति ने दी है, और वो है शंकर महादेव. सारी साधनाएं महादेव जी ने दे दी. सारी, भले वो शिव संहिता हो, स्वर योग हो, भैरव तंत्र हो. और अद्भुत बात एक और कहूं, ये सारी वार्तालाप वो अपनी पत्नी के साथ कर रहे थे, और इनके जो 12 शिष्य थे प्रधान, उनमें से जो भी कोई एक शिष्य वहां पे हाजिर था जब वो उमा को यह सब ज्ञान दे रहे थे,
उसने सुन लिया और उसने बाद में स्मृति स्मृति से फिर बाद लिखित भी हो गया. बट दिस वॉज एन इन डायलॉग हैपनिंग इन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ एंड सी व्हाट अ हस्बैंड एंड वाइफ दैट देयर टॉपिक्स वर ऑलवेज ऑफ वेदांत ज्ञान साधना सूत्र. हम तो कई बार हंसते हैं सब चोरी का माल है, चाहे वो शिव संहिता हो चाहे वो भैरव तंत्र हो. जब तंत्र के बारे में महादेव शंकर बोल रहे थे उमा को तो उस सारी वार्तालाप को भैरव ने सुना और उसी के नाम से प्रसिद्ध हो गया भैरव विज्ञान भैरव तंत्र. क्योंकि ना उमा को लिखने की रुचि है ना शंकर को. समस्त योग की साधनाएं समस्त तंत्र की साधनाएं समस्त मंत्र की साधनाएं समस्त यंत्र की साधनाओं को देने वाले एक ही व्यक्ति हैं परम योगेश्वर शिव. ये गुरुओं के गुरु हैं, आदि गुरु हैं. और ये आजकल के आधुनिक शंकर जी के भगत घंटी बजा के कहते बाबा लॉटरी खुला दे, जल लोटा चढ़ाते बाबा नौकरी दिला दे. अरे मूर्ख, जो तेरे को सत्य का ज्ञान दिला सकता है तो उससे असत पदार्थ मांगता है. जान यह सारा संसार, यह प्रमेयगत संसार, अनाशीनो प्रमेयस्य, ये सारा प्रमेय जगत, प्रमेय और नित्य स्वरूप जीवात्मा का यह शरीर भी सब नाशवान है. फिर से इस श्लोक को पढ़ते हैं. अंतवंत इमे देह नित्य स्योक्ता शरीरिनी. नित्य कौन है इस शरीर में? जीव. पर इस जीव का जो शरीर है ये नाशवान, अनाशिनो प्रमेयस्य, और ये जो प्रमेय जगत है यह भी असत है, नाशवान है. तस्माद्युद्यस्व भारत, इसलिए हे भारत, अर्जुन को एक नए नाम से पुकार रहे, हे भारत, भरत वंशियों की जो संतान है उसको भारत कह रहे, हे भारत उठ और युद्ध कर. तस्माद्युद्यस्व भारत, हे भारत उठ अब युद्ध कर. प्रमेय जगत सारा नाशवान, तेरा शरीर नाशवान, ये गुरुओं के शरीर नाशवान, तू काहे अभिमान कर रहा है कि तू किसी को मार सकता, वो पहले ही मरे हुए तेरे शरीर सहित. वो ये नहीं कह रहे खाली द्रोण और भीष्म का शरीर नाशवान, वो कह रहे तेरे शरीर सहित सब नाशवान. या एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तो न विजानी तो नायम हंती न हन्यते. या एनम वेत्ति हंतारम, जो ये समझता है कि मैं आत्मा को मार दूंगा. यश्चैनम मन्यते हतम, और जो इस आत्मा को मरा हुआ देखते हैं, न आत्मा को मारा जा सकता है ना आत्मा को मरा हुआ देख. उभौ तो ना विजानी तो, ये दोनों ही नहीं जानते. ये दोनों जिनके पास ये दो ज्ञान आ रहे हैं ना, झूठ वाले, एक जो ये कहता मैं आत्मा को मार दूंगा और एक जो ये कहता आत्मा मरी हुई है, दोनों ही नहीं जानते कि आत्मा न मारी जा सकती है न इसकी हत्या की जा सकती है. ना आत्मा को मारा जा सकता है ना आत्मा को मरा हुआ देख. तो इस लिहाज से जो ये कहता है कोई भी इंसान कि मैं आत्महत्या कर लूंगा, कितनी बड़ी गप मार रहा है. और ये पता नहीं कहां से, किस सज्जन पुरुष ने, किस ज्ञानी ने ये शब्द का उपयोग ऐसी स्थिति में कर दिया, आत्महत्या.
और फिर उससे बड़े और ज्ञानी निकले, उन्होंने लिख दिया आत्महत्या पाप है। एक कह रहा है आत्महत्या करूंगा, उसको कहते बेवकूफ, आत्महत्या पाप है, दोनों मूर्ख। जो ये जानता है आत्मा मरा है और जो ये जानता है आत्मा मरी जा सकती है, दोनों अज्ञानी है। देख लो अखबारों में, टीवी में सब न्यूज रीडर एंकर बोल रहे होते, वहां पर एक औरत ने आत्महत्या कर ली, वहां इतने किसान विदर्भ में, पंजाब में इतने किसानों ने आत्महत्या कर ली। अभी कोई उनको जाकर समझाए ये मत बोला करो कि आत्महत्या कर ली, बस ये करो उसने अपने शरीर को मार दिया। कई बार हम लोग अपनी रोजमर्रा की भाषा में ऐसी बेवकूफी की चीजें बोलते हैं हमें एहसास भी नहीं होता। नथुलाल ने अपने बेटे से कहा जा जरा रिक्शा बुला के ला। अब रिक्शा बुलाया जा सकता है? रिक्शे के क्या कान होते? और वो सड़क किनारे खड़ा होके कहता ओ रिक्शा इधर आ, और रिक्शा आ गया। वो अपने पिताजी को अंदर बुलाने गया कि रिक्शा आ गया है। नथुलाल जी अपना सारा बोरिया बिस्तरा सामान लेकर के बाहर गेट पे आए तो देखा रिक्शा है नहीं, बोले रिक्शा कहाँ गया? चौकीदार कहता जी इतने में एक सवारी आ गई थी, वो रिक्शे को ले गई। क्या रिक्शे के पैर हैं कि वो चला गया? क्या रिक्शे के कान है जो तुम्हारी बात सुन रहा है? अब हम बुला रहे हैं रिक्शा के मालिक को, जो उसको चला रहा है, रिक्शा चालक। पर कोई नहीं कहता ए रिक्शा चालक इधर आ, बोलते ए रिक्शा। अब कोई ज्ञानी रिक्शा चालक हो ना, वो कहेगा पहले हुजूर अपनी भाषा सुधारिए। भाषा सुधारो, रिक्शा बुलानी मुझे, रिक्शा चलेगी कि मैं चलाऊंगा तो ये चलेगी, तो मुझे बुलाओ। हम बड़ा अपमान करते हैं भाई, ऐसे नहीं बोलो ए ऑटो ए टैक्सी ए बार बस रुक, बस रुकेगी। कहना चाहिए ड्राइवर साहब बस रोकिए, ऑटो वाले भैया गाड़ी रोकिए, रिक्शा चालक महोदय गाड़ी रोकिए, रिक्शा रोकिए हमें जाना है। हम भाषा में बहुत से ऐसे वाक्यों का उपयोग करते हैं जो तर्कयुक्त नहीं है, जैसे ये आत्महत्या। मुल्ला नसरुद्दीन की बीवी एक दिन बड़ा गुस्से में आई, कहती आत्महत्या कर लूंगी। कहता कर ले, वो होगी नहीं, कर कर होगी नहीं। कहती जहर पी लूंगी, फांसी लगा लूंगी, ट्रेन के सामने आके कट जाऊंगी। मुल्ला बोले हर बार तेरा शरीर कटेगा, तू नहीं। वो बात अलग है, पत्नियों को आत्महत्या तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं, बस वो इतना ही बोलती चली मैं मायके, इतने में जान निकल जाती। एक ने कहा मैं मर जाऊंगा, तो ये वाक्य गलत है। और एक ने द्वेष से कहा मैं तुझे मार दूंगा, ये वाक्य भी उतना ही झूठ। देखो ना, मैंने उदाहरण दिया था बुआ जी का कि उनकी खोपड़ी में यहां बंदूक रखी उसने, और वो जानते हैं कि जिस शहर में वो रह रहे हैं वहां पर जो जेब काटने वाले, वो खाली जेब नहीं काटते हैं, वो गला काटते हैं पहले। जब मार लेते क्यों, जिंदा रह गया तो उनकी आइडेंटिफिकेशन कर सकता है, वो पहले मारता है फिर आपकी जेब पे हाथ डालेगा। और उनकी खोपड़ी में रखी है रिवाल्वर, मार दूंगा। अब अंदर हंस रहे बेवकूफ, किसको मारेगा, जिसको मारना चाह रहा है वो तो मरा ही हुआ, आज नहीं कल गिर जाएगा, और जो मैं हूं उस तक तेरी रिवाल्वर पहुंच नहीं सकती। अब ये निश्चय जिसको हो वही ऐसा कर सकता है, जिसको ऐसा निश्चय नहीं है उसके सामने तो महाराज
एक उड़ता हुआ ततैया भी आज नहाए मर गए। मर सकते हो क्या? पिछले दिनों मैं एक आश्रम में निमंत्रित थी, उस एरिया में, झारखंड के क्षेत्र में। ये जो आश्रम है यहाँ बहुत सांप है। जहाँ मुझे ठहराया गया वहाँ से आश्रम तक जाते में दो चार सांप निकलते थे। ऐसे तो अपने आश्रम में भी बड़ी बाहर है इनकी, पर कुछ एक मौसम होते जब खूब निकलते। तो मेरे साथ जो थे उन्होंने सहज कहा, रहे सांप कहते, हाँ हाँ ये भी यहां रहते, हम ना हम इनको कुछ कहते ना ये हमको कुछ कहते, को एग्जिस्ट कोहैबिटेंट्स ऑफ वन प्लेस, व्हाट इज देयर टू फियर, डरने की क्या बात है, किससे डरना और कैसा डरना। तो महानुभाव, मृत्यु के भय को आज करिए नमस्ते। अगर ये बात का निश्चय हो गया है तो निश्चित भय भी जाएगा, पर यह भी सत्य है कि सिर्फ बौद्धिक तल पर समझने से नहीं जाएगा, चित्त के अंदर बहुत गहरा भय है जो खाली मेरे इन शब्दों को सुनने से नहीं जाएगा, उसके लिए फिर साधना चाहिए। ध्यान में जहां थोड़ा सा गहरा अनुभव आने लगा वहीं डरा जाता है। जहां ध्यान में एक अच्छी स्थिति बनने लगी और देश से भिन्न अपने आप को देखने लगा वहीं भय आ जाता है, और भय के आते ही वो अनुभूति भी बंद हो जाती है। ये भय कहां से आ रहा है? चित्त से। शरीर से आसक्ति जितनी गहरी होगी उतना ही अभिनिवेश क्लेश गहरा होगा। अभिनिवेश का अर्थ है जीने की लालसा। बहुत गहरी। और ये जीने की लालसा तुम्हारे कॉन्शियस माइंड में नहीं है, ये तुम्हारे चित्त में है। और यही अभिनिवेश बड़े बड़े रूपों से बाहर निकलता है, जैसे कल क्या होगा, पैसे नहीं रहे तो क्या होगा, रिश्तेदार टूट गए तो क्या होगा। ये जितने भय हैं इनकी जड़ एक ही चीज में है, और वो है जीने की लालसा में। क्या होगा? कुछ नहीं होगा, क्योंकि कुछ हो सकता ही नहीं है। असत ने कभी सत नहीं होना, सत ने कभी असत नहीं होना, विनाशी ने कभी अविनाशी नहीं होना, अविनाशी ने कभी विनाशी नहीं होना। तो सोचो किस बात के लिए, चिंता किस बात के लिए, भय किसका, किससे?